हेलो साथियों, मैं साकेत कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार विद साकेत पर एक नई वीडियो के साथ वापस आया हूँ। वीडियो बहुत अच्छी है क्योंकि जितने भी लोग बहुत सारे लोग कोर्ट की वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं, तो आज वो वैकेंसी आ गई है। बिहार में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वैकेंसी आया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत बेहतर वैकेंसी आई है। 4 भिन्न भिन्न पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें पोस्ट अगर हम जाने, पदों की संख्या अगर हम जाने तो लगभग 5000 प्लस पद हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग उस वैकेंसी पर चलते हैं। और हाँ, जिन्होंने भी जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें क्या अच्छा लगा, क्या सही है। और बाकी जो है चलिए वैकेंसी की ओर चलते हैं। ये सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है, सिविल कोर्ट ऑफ बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वैकेंसी है, जिसमें 4 अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है, कोर्ट रीडर है और प्यून है। इन सब का क्या जो है एलिजिबिलिटी है, किस पोस्ट के लिए क्या चाहिए वो अभी नहीं दिया है, बट 7692 सीटों पर ये वैकेंसी आई हुई है। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी वैकेंसी है। ये जो है ना 20 सितंबर 2022 से इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट इसका है 20 अक्टूबर 2022। 20 अक्टूबर 2022 तक ये फॉर्म का लास्ट डेट है। इसमें मिनिमम एज 18 साल दिया है और मैक्सिमम एज अभी नहीं बताया है कि कब होगा। धीरे धीरे करके जब तक आपका फॉर्म फिल होना शुरू होगा तब तक ये सारा अवेलेबल करा देगा। इसमें कितना फ़ी लगेगा, जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का, सारे धीरे धीरे करके अवेलेबल होगा। अभी जस्ट वैकेंसी बिल्कुल नहीं आई है, तो सबसे पहले आपको अपडेट देना ज़रूरी था ताकि जो है आप इस चीज़ को देख सकें, इसके बारे में अवगत हो सकें। बहुत बड़ी वैकेंसी है। क्लर्क के लिए 3325 पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर के लिए 1562 पोस्ट हैं, कोर्ट रीडर के लिए 1132 पोस्ट हैं और प्यून के लिए 1673 पोस्ट हैं। एक तरीके से कहा जाए तो कोर्ट के मामले में ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। इतनी बड़ी वैकेंसी इधर हाल ही में तो हमने नहीं देखा है, क्योंकि हम भी लगातार जो है तैयारी करते हैं, तो हम भी जो है वैकेंसी को हर वक्त देखते रहते हैं। तो इतनी बड़ी वैकेंसी हमने अभी तक कोर्ट के मामले में नहीं देखी है। 7692 पोस्ट का अभी वैकेंसी आया हुआ है, इसका सारा चीज़ अभी अवेलेबल आपको कराया जाएगा। देख रहे हैं कि लिंक एक्टिवेट होगा, 20 सितंबर से एक्टिवेट होगा इसका लिंक। उससे पहले ये सारा कुछ अवेलेबल करा देगा, क्या इसका एलिजिबिलिटी है, क्या चाहिए, क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें ये अवेलेबल करा देंगे। सबसे पहले तो हम बात करें कि इसमें फ़ायदा क्या होता है कि कोर्ट में वैकेंसी तो बहुत सारी होती हैं, बट स्टेनोग्राफर का जहाँ पर भी वैकेंसी होता है वहाँ पर पूरी तरीके से वो वैकेंसी पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि स्टेनोग्राफर के लोग कम मिल पाते हैं। तो जो भी आप लोग में इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या जिनको भी स्टेनोग्राफर आता है उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, तो आप इसका लाभ उठाएं। सिविल कोर्ट ऑफ बिहार की वैकेंसी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पर आती है, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैकेंसी है, इसमें आपको बता ही दिए, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। 7692 पोस्ट पर वैकेंसी है। तो चलिए इसका और आगे जो हम वीडियो बनाएंगे, जब इसका एलिजिबिलिटी वगैरह सब आ जाएगा, कितना इसका मैक्सिमम एज है, ये सारा आपको हम अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करते हैं इन सब के बारे में। तो जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। जो भी वैकेंसी है उन सब के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी तैयारी करें और इस फॉर्म को भरें और इसमें जॉब, आप अपना जॉब सिक्योर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।